तो दोस्तों एक बहुत ही वीआईपी सेटिंग है जो आप सभी को देख के जाना है और उन्हीं को पता चलेगा जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूजर हैं और आप अपने फ़ोन को फुल सिक्योरिटी के साथ रखना चाहते हो कि कभी भी किसी तरीके से अटैक आए आपके फ़ोन पे किसी अननोन पर्सन के द्वारा, तो आपका फ़ोन हमेशा सिक्योर रहे, तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आज से पहले जितने भी आपने फ़ोन में सेटिंग किए होंगे उन सभी सेटिंग को भूल जाइए और इन सभी सेटिंग को आप अपने फ़ोन में अभी के लिए। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और मुझे आपसे एक थैंक्स सुनने को मिलेगा। सिर्फ एक लाइक बटन पर क्लिक करना है। ओके, सपोज कीजिए आपका फ़ोन खो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? वो आपका फ़ोन फॉर्मेट करके आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक सेटिंग है आपके फ़ोन के अंदर जिसे अगर आप ऑफ रखेंगे, जी हाँ, अगर आप उसे ऑफ रखेंगे तो आपका फ़ोन कोई भी जल्दी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर वो आपका फ़ोन फॉर्मेट भी कर देगा तो भी उसे FRP लॉक देना पड़ेगा, यानी कि जो आपके फ़ोन में पहले से एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी पड़ा हुआ था, जब तक वो ईमेल आईडी नहीं साइन इन करेगा तब तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग में और आपको खोजना होगा आपका डेवलपर ऑप्शन। इस सेटिंग को कैसे ऑन करना है मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक सेटिंग मिलेगा, सबसे पहले OEM अनलॉक। इस सेटिंग को आप देख लीजिएगा क्या मेरा ऑफ है या फिर ऑन है। तो अगर आपका ये सेटिंग ऑन होगा तो फटाक से आप इसे ऑफ कर दीजिए। एंड जैसे ही आप ऑफ बटन पे क्लिक करेंगे आपको कहेगा कि आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए ताकि हम अपना प्रोटेक्शन फीचर आपके फ़ोन में इनेबल कर सके। तो जल्दी से इसे रिस्टार्ट कर दीजिएगा एंड उसके बाद आपका फ़ोन फुल्ली सिक्योर है। दूसरी सेटिंग आप सभी को अभी की अभी कर लेनी है, क्योंकि ये आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है और वो सेटिंग है गूगल प्ले स्टोर के अंदर और वो है आपका प्ले प्रोटेक्ट। तो सबसे पहले आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर में, यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट। इस सेटिंग पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपके फ़ोन में भी ऑफ हो सकता है। तो अगर आपके फ़ोन में भी ऑफ है तो सबसे पहले टर्न ऑन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपके फ़ोन में ये ऑन हो जाएगा। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा क्या आपके फ़ोन में दोनों सेटिंग ऑन है, तो आप अभी इसे चेक कर लीजिएगा। बाय चांस कभी आपका फ़ोन खो गया, चोरी हो गया, तो आप अपने डाटा को इरेज कर सकते हो, वो भी रिमोटली। अपने उस फ़ोन को टच भी नहीं करना है और आप अपने प्राइवेट डाटा को बचा सकते हो किसी थर्ड पार्टी के हाथ में जाने से। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में फाइंड माय फ़ोन को ऑन रखना होगा। उसके लिए आप चले जाइए अपने फ़ोन के सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिक्योरिटी का, इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फाइंड माय फ़ोन। अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ होगा तो क्लिक करके आप इसे ऑन कर लीजिए एंड उसके बाद जब भी आपका फ़ोन खो जाता है और आप चाहते हैं कि मेरा सारा डाटा सिक्योर रहे, तो आप रिमोटली अपने फ़ोन को इरेज कर सकते हो। अगली सेटिंग आपको करनी है सभी एप्लीकेशन के अंदर, लाइक अगर आपका इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो उसके अंदर, फेसबुक यूज करते होंगे तो उसके अंदर, अगर आप ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको व्हाट्सएप के अंदर भी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2-स्टेप वेरिफिकेशन का। अगर आप अपने फ़ोन में ये सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो आप 2-स्टेप ऑथेंटिकेशन आप ऑन करके रख लीजिए। मैं आपको WhatsApp का बता देता हूँ कि कैसे इसे ऑन करना है। तो आप चले जाइए WhatsApp में, 3 डॉट पे सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट में, और यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे देखने को मिलेगा 2-स्टेप वेरिफिकेशन, इसे आपको कर देना है इनेबल। आप यहां पे कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए 123456 डाल दिया, कंफर्म कर देना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसमें ईमेल आईडी जरूर ऐड कर दीजिएगा ताकि अगर आप कभी भूल जाएं तो उसे रिकवर करना आपके लिए आसान हो।
तो अब आपका व्हाट्सएप में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन हो चुका है, और इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल आईडी पे, सभी जगह पे कर लीजिएगा। नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों अक्सर हमारा फ़ोन कभी ना कभी डिस्चार्ज हो जाता है, और कहीं पर भी हम पब्लिक प्लेस में यूएसबी केबल के थ्रू हम अपना फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, और उस दौरान आप ये सोचते हैं कि मेरा फ़ोन सिर्फ चार्ज हो रहा है, लेकिन आप ये चीज़ भूल कर रहे हैं कि आपका यूएसबी केबल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपका सारा फ़ोन का डाटा कॉपी किया जा सकता है। तो आप इस सेटिंग को, एक सेटिंग है जो आपके फ़ोन के, तो आपके फ़ोन के अंदर एक सेटिंग है जो कि अगर आप उसे ऑन रखेंगे तो आपके फ़ोन से सिर्फ यूएसबी के थ्रू चार्जिंग ही होगा, और जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तो आपके फ़ोन से कोई भी डाटा कॉपी नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको जाना होगा अपने फ़ोन के सेटिंग में, डेवलपर ऑप्शन में जाना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। इस सेटिंग को आपको करना क्या है, इसे आपको सेलेक्ट करके नो डाटा ट्रांसफ़र पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके फ़ोन से कोई भी डाटा कॉपी नहीं होगा बिना आपके परमिशन दिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी फ्रेंड को अपना फ़ोन दें और आप चाहते हैं कि वो मेरे फ़ोन से कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सके, तो आप एक सेटिंग करके आप उस फ़ोन को दे सकते हो अपने फ्रेंड को इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इसके लिए अपने फ़ोन के सेटिंग में, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, मोबाइल नेटवर्क में, एंड आप अपने सिम को सेलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल मेरा एयरटेल है, एडवांस में गए, और कहीं ना कहीं से आपको APN सेटिंग देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो APN सेटिंग दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप इस APN को डिलीट कर दीजिए, और जैसे ही आप इसे डिलीट कर देंगे अब आप अपने फ्रेंड को अपना फ़ोन दे दीजिए, एंड उसके बाद वो फ्रेंड आपका इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपके फ़ोन में डाटा ऑन भी रहेगा तब भी वो आपके फ़ोन से इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे डाटा गायब हो चुका है, और यहाँ पे हमने यूट्यूब इस्तेमाल किया तो ये ऑफलाइन बता रहा है। अगर आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना होगा तो आप वापस से इस सेटिंग के अंदर आइए, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, एंड उसके बाद आप अपने फ़ोन में इंटरनेट आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सेटिंग पसंद आई होगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी को ऑन कर दीजिएगा।